हनवारा थाना क्षेत्र के खुर्द डुमरिया घाट से अवैध लदा बालू बिना नंबर का एक ट्रैक्टर पुलिस ने जब्त की है। वहीं अवैध बालू लदा यह ट्रैक्टर बिहार का बताया जा रहा है। हनवारा पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि खुर्द डुमरिया बालू घाट से ट्रैक्टर के द्वारा अवैध रूप से बालू का उठाव किया जा रहा है। छापेमारी करने ASI संचू राव, ASI विजय कुमार दलबल के साथ जैसे ही वहां पहुंचे तो पुलिस को देखकर चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। इसके बाद पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर थाने ले आई। बालू माफियाओं के विरुद्ध लगातार की जा रही छापेमारी के बाद भी बालू का अवैध कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा। गोड्डा पुलिस कप्तान YS रमेश के निर्देश पर प्रशासन द्वारा सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। बाइक की डिक्की व दस्तावेजों की गहन जांच की गई तथा COVID-19 से बचाव के लिए हेलमेट व मास्क लगाने की सख्त हिदायत भी दी गई। आपको बता दें कि जिन्हें भी मास्क और बिना हेलमेट के पकड़ा गया उनका चालान काटा गया। मास्क और हेलमेट के लिए 500 और 1000 रुपये का चालान काटा गया। अमूमन 25,000 रुपये की वसूली चालान द्वारा आज की गई है। प्रखंड अंतर्गत हसदिया गोड्डा मुख्य मार्ग शिव कुमार मेडिकल के समीप जल जमाव के कारण लोगों को 3 दिनों से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आम लोगों के बीच तरह तरह की चर्चाएं जल जमाव के कारण होती रहती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि कई बार इस जगह पर विभाग के द्वारा मरम्मत कार्य तो किया गया लेकिन वह पेटी कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदार के मरम्मत कार्य की भेंट चढ़ गई और लोगों के बीच समस्या ज्यों का त्यों पड़ी रह गई है। इस जगह पर जल जमाव होने के कारण आसपास के लोगों के बीच काफी मतलब बीमारी फैलने में इस जगह पर कई बार संज्ञान लेने की आवश्यकता है। क्या नाम हो आपका? राजा कुमार। क्या परेशानी जो मुख्य मार्ग पे इतना जल जमा होती है? मार्ग पे इतना पानी जमा, इससे लोगों के आए दिन दुर्घटना होने की आशंका रहती है, जिसमें लोग इसके वजह से रॉन्ग साइड में चलना पसंद करते हैं। इस साइड में आना छोटी गाड़ी वाली को भी बहुत परेशानी होती है, जिससे उस साइड में बहुत बार पिचिंग हो सकता है लेकिन इस साइड में एक बार पिचिंग नहीं हुआ, जिससे रोड उबड़ खाबड़ है। आए दिन मोटरसाइकिल वाले बाइक वाले एक्सीडेंट होते रहते हैं। जल जमाव के कारण बहुत आदमी को बहुत सारा परेशानी होता है सर। लॉन्ग रूट पे चलते हैं सब, आए दिन रोज एक्सीडेंट होते रहता है, रोड भी उबड़ खाबड़ है। आज हम गोड्डा जिले की आपको दो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो गोड्डा शहर की। आपको बता दें कि पहले तस्वीर में आपको नगर परिषद के कर्मी कचरा उठाने वाली गाड़ी को सैनिटाइज करते दिखेंगे, जो कि कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के हिसाब से एहतियातन जरूरी भी है। वहीं दूसरी तस्वीर नगर परिषद कार्यालय की सड़क के उस पार आम के व्यापारियों की है, जहां बिना मास्क और सामाजिक दूरी का पालन किए बगैर नियमों को ताक पर रखकर कोरोना के डर से निडर होकर इन लोगों की भीड़ आपको विचलित करती है। लॉकडाउन में रियायत का मतलब लोग कोरोना से मुक्ति समझने की भूल कर रहे हैं। जिला प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है, नहीं तो इसका बड़ा खामियाजा जल्द गोड्डा को भी भुगतना पड़ सकता है। साथ ही साथ आमजनों को भी इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी और स्थिति को समझना होगा। राज्य सरकार के आदेश के बाद आज शुक्रवार से कपड़े और जूते की दुकानें खुल गई। 3 महीने से लॉकडाउन के बाद शहर में आज से कपड़े और जूते की दुकानों को खोलने की इजाजत मिली है। व्यापारियों के चेहरे पर संतोष और खुशी साफ तौर पर देखी जा सकती है। दुकानदारों ने बताया कि लंबे समय से दुकान बंद रहने से आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही थी। सरकार के इस फैसले से हमें काफी राहत मिलेगी। दुकानों के खुलने से दुकानदारों के चेहरे पर खुशी थी। राज्यसभा चुनाव में झारखंड से भाजपा के दीपक प्रकाश और झामुमो के शिव सोरेन को जीत मिली है। दीपक प्रकाश को 31 जबकि शिव सोरेन को 30 वोट मिले हैं। कांग्रेस के शहजादा अनवर को महज 18 वोट मिले हैं। वहीं 81 सदस्यीय विधानसभा में फिलहाल 79 विधायक हैं। सभी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है।